नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बातचीत करेंगे आदर्शवाद शिक्षा दर्शन क्या होता है, इसमें शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, सिद्धांत, उद्देश्य, महत्व और विशेषताएं। आदर्शवाद शब्द आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है, क्योंकि आइडियलिज्म में यल को केवल उच्चारण की सुविधा से ही जोड़ा गया है। ठीक शब्द तो आइडियलिज्म ही है, परंतु तो शब्द की रूढ़ प्रकृति को ध्यान में रखकर ही आइडियलिज्म कहा गया है। आइडियलिज्म की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुई है, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता, विचार या विचारवाद। आदर्शवाद मानव तथा उसके विचारों, भावों, आदर्शों को मानता है। जैसे किसी व्यक्ति के पहनावे से अच्छा उसका विचार, भाव या उसका मूल्य माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं आदर्शों तथा मूल्यों को प्राप्त करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने अस्तित्व को बनाता है। दर्शन में आदर्शवाद आदर्शों की व्याख्या तो करता है, किंतु उसका मुख्य विषय आदर्श न होकर विचार माना जाता है। आदर्शवाद परम ब्रह्म अर्थात ईश्वर के साथ साक्षात्कार की बात करता है। आदर्शवाद के अनुसार देश काल में सृष्टि में जो भी घटनाएं घटती हैं वह आध्यात्मिक सत्य के कारण ही घटती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व में आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाना गया, क्योंकि उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया। परिभाषाएं डॉक्टर एम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है, अर्थात आध्यात्मिकता के परे कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब कि मानव के विचार वस्तु की अपेक्षा महत्वपूर्ण होते हैं। हेंडरसन ने कहा कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इनका विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मन असीमित मन से पैदा होता है, क्योंकि आदर्शवाद ईश्वर को मानता है, परमात्मा को मानता है, आत्मा को मानता है। तो मनुष्य के सीमित मन से तात्पर्य यह है कि जब एक मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाएं अपने मन में व्याप्त रखता है और वह उसको पूरा करने का प्रयास करता है, तो आध्यात्मिकता एक ऐसा पक्ष है जिसके कारण से मनुष्य की अनेक अनेक इच्छाएं, अनेक असीमित जो इच्छाएं होती मनुष्य उसको सीमित करके अपना जीवन व्यतीत करता है। ब्रू ब्रेकर के अनुसार आदर्शवादी इस बात का संकेत देते हैं कि संसार को समझने के लिए मन अथवा मस्तिष्क सर्वोपरि है, क्योंकि मन से अधिक किसी और बात को वास्तविक समझना स्वयं मन की कल्पना होती है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा मनुष्य को भावों से मन से जोड़ती है। कई बार हम बिना कहे एक दूसरे मन की बात समझ जाते हैं, इसलिए आदर्शवाद मन से जोड़ता है कि मनुष्य अगर किसी भी विषय से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समस्या से मन से जुड़ा होगा तो वह उसको सही रूप में समझ पाएगा। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत संपूर्ण जगत के दो रूप माना है आदर्शवादियों ने। पहला उन्होंने माना आध्यात्मिक जगत, दूसरा उन्होंने माना भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत अर्थात स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक जगत अर्थात फिजिकल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत सत्य है, जैसे किसी विद्वान द्वारा दिए गए विचार वास्तविक होते हैं, यथार्थ होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, स्थायी होते हैं, क्योंकि इनका ज्ञान प्राप्त करने से मन अथवा आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। भौतिक जगत ने माना कि संसार परिवर्तनशील है, अस्थायी है, जो कभी भी
बदल सकता है। दूसरा बिंदु है वस्तु की अपेक्षा विचार को इन्होंने माना, क्योंकि मन तथा आत्मा का केवल विचारों द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए वस्तुओं की तुलना इन्होंने भौतिक जगत से की और विचारों की तुलना इन्होंने आध्यात्मिक जगत से की। तीसरा पॉइंट है जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को महत्व। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य जड़ प्रकृति से हमेशा सदा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के पास विचार है, आत्मा है, मनुष्य बुद्धि युक्त प्राणी है और वह संकल्प कर सकता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, स्वतंत्र कर्म कर सकता है। चौथा पॉइंट है आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास। इन्होंने माना कि जब हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करते हैं तो इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि सत्य, शिव और सुंदरम, इन तीन मूल्यों को अलग अलग प्राप्त किया जा सकता है। ये तीनों आध्यात्मिक मूल्यों को मन की तीन क्रियाओं से जोड़ते हैं। ज्ञान सत्य होता है, इच्छा तथा अनुभव सौंदर्य होता है, चेष्टा अथवा प्रयत्न शिवम होता है। पांचवा बिंदु है व्यक्तित्व का विकास। इन्होंने माना कि व्यक्तित्व का विकास का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना। व्यक्ति आत्मानुभूति द्वारा, प्रेम द्वारा, सहानुभूति द्वारा, दया द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगला पॉइंट है भिन्नता में एकता का सिद्धांत, अर्थात संसार की समस्त वस्तुओं में भिन्नता होते हुए भी एकता होती है, क्योंकि संसार की समस्त घटनाएं और गतियों के पीछे एक शक्ति या भिन्नता दिखाई देती है। इसी एकता को आदर्शवादियों ने शक्ति, चेतन, तत्व, ईश्वर आदि नामों से जाना है कि जिस प्रकार एक केंद्रीय यंत्र की केंद्रीय शक्ति द्वारा भिन्न भिन्न अंग अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार एकता रूपी केंद्रीय शक्ति के द्वारा संसार के विभिन्न कार्य होते हैं। आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य, व्यक्ति का उन्नयन करना अथवा आत्म अनुभूति। आदर्शवाद के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे महान सुंदर कृति है, अतः व्यक्तित्व का उन्नयन करना, व्यक्तित्व का उत्कर्ष करना, आत्म अनुभूति करना तथा आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों, क्षमताओं को वास्तविक रूप देना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास, शिक्षा मानव जाति को इस योग्य बनाए कि वह अपने संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक पूर्णता के साथ प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार कर सके। तीसरा बिंदु है सत्यम, शिवम, सुंदरम मूल्यों को विकसित करना। इनका विश्वास है कि आध्यात्मिक जगत की उन्नति के सत्य, शिव तथा सुंदर जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है, क्योंकि समाज के लोगों में आध्यात्मिकता होने पर ही जगत की स्वतः ही उन्नति हो जाएगी। सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा स्थानांतरण। केवल मनुष्य ही ऐसा बुद्धि युक्त प्राणी है जिसने रचनात्मक कार्यों द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के मानसिक, सौंदर्यात्मक तथा धार्मिक पक्षों के विकास हेतु प्राचीन काल से लेकर अब तक सक्रिय रूप से भाग लिया है। अतः शिक्षा का उद्देश्य बालक को सांस्कृतिक संपत्ति का परिचय देना है, जिससे वह इसकी रक्षा करते हुए इसके विकास में अधिक से अधिक सहयोग देकर भावी पीढ़ी को स्थानांतरित कर सके। अगला पॉइंट है मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। बालक को आध्यात्मिक विकास करने के लिए उसकी मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना परम आवश्यक है, अर्थात उसे मनोशारीरिक से मनोआध्यात्मिक रूप प्रदान करना होगा। अतः शिक्षा का उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों का शोधन करते हुए सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार उचित मार्गदर्शन द्वारा आध्यात्मिक बनाना। अगला बिंदु है पवित्र जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार करना है, जिससे वह भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति कर सके। अंतिम बिंदु है बालक की बुद्धि तथा विवेक का विकास।
शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित करना होगा जिससे बालक उस शिक्षा द्वारा अपनी बुद्धि एवं विवेक का विकसित करके आगे आने वाले समाज के लिए विकास कर सके। विभिन्न दार्शनिकों के अनुसार पाठ्यक्रम। प्लेटो ने कहा कि बौद्धिक विकास के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, कलात्मक विकास के लिए कला एवं कविता, नैतिक विकास के लिए शिक्षा। हर्बर्ट ने कहा साहित्य के विकास के लिए इतिहास, कविता, संगीत तथा साहित्यिक विषयों का अध्ययन करना चाहिए। नन ने कहा शारीरिक विकास के लिए शारीरिक व्यायाम, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, साहित्यिक एवं सौंदर्यात्मक विषयों का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए इन सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा। शिक्षण विधि। बटलर ने कहा कि आदर्शवादी अपने आप को किसी भी शिक्षण विधि का निर्माणकर्ता तथा निर्धारक समझते हैं क्योंकि वह किसी एक विधि के अधीन नहीं रहना चाहते। रोबेल ने कहा कि विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे के विकास में सहयोग देते हैं। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दिया, प्लेटो ने संवाद विधि दिया, अरस्तु ने आगमन निगमन विधि दी, डेकार्टे ने सरल से कठिन विधि पर जोर दिया, हीगल ने तर्क विधि दी, फ्रॉबेल ने खेल कूद विधि का। आदर्शवाद तथा शिक्षक। आदर्शवादी किसी विशेष शिक्षक, क्योंकि शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है, इसलिए शिक्षक विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, व्यावसायिक कला में दक्ष हो, शिक्षक के कुशल माली हो, आध्यात्मिक गुणों का भंडार हो, क्योंकि आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान ईश्वर से भी ऊंच माना गया है। इसलिए फ्रॉबेल ने कहा कि शिक्षक को पौधे रूपी बालक की देखरेख करने वाला माली माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। आदर्शवाद तथा अनुशासन। प्रभावात्मक अनुशासन को इन्होंने विशेष महत्व दिया क्योंकि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अनुशासित रखना चाहता है तो वह अपने कार्यों द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा एक प्रभाव छोड़े जिससे विद्यार्थी स्वयं ही अनुशासित हो जाएं। निर्देशित नियंत्रित स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया कि नियंत्रण भी होना चाहिए और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए तथा प्रेम तथा सहानुभूतिपूर्ण अनुशासन होना चाहिए, उच्च आदर्शों से प्रेरित होना चाहिए जिसमें नम्रता, शिष्टता, आज्ञाकारिता पर बल होना चाहिए। विद्यार्थी अनुशासन के साथ साथ ईमानदारी तथा सत्यवादिता पर भी बल दे सके तथा इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सके। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का अन्य तत्व से संबंध। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी का स्थान गौण होता है, इसलिए विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होकर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होगा। उसकी मूल उत्पत्ति दैहिक होती है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव होता है, इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अनुशासन स्थापित कर सकें। शिक्षक तथा विद्यार्थी संबंध। आदर्शवाद शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण उच्च आदर्शों से प्रेरित संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब संबंध अच्छा होगा तभी वह अच्छी प्रकार से शिक्षा दे पाएंगे और विद्यार्थी ग्रहण कर पाएगा। विद्यालय। आदर्शवादी किसी विशेष विषय के पक्षपाती नहीं होते हैं, लेकिन आदर्शवादी शिक्षक व्यवस्था में विद्यालय की आवश्यकता होती है क्योंकि विद्यालय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। विद्यालय साधना का केंद्र है। समाज उत्थान की दृष्टि से विद्यालय का निर्माण आवश्यक है। उपवन रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। प्राचीन आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में देवालयों को ही शिक्षा का केंद्र माना जाता है। पाठ्यक्रम। आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था किसी भी विशेष पाठ्यक्रम के पक्षपाती नहीं होते हैं। उन्होंने सभी विषयों को स्थान देने पर महत्वपूर्ण जोर दिया और उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम की रचना करते समय विद्यार्थी तथा उसकी क्रियाओं की अपेक्षा
मानव के विचारों, भावों, आदर्शों तथा शाश्वत मूल्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में स्थिरता तथा गतिशीलता भी होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक, मानवीय दोनों विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन का एक उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सके। बहुत धन्यवाद। आगे हम प्रयोजनवाद शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे।